तो गाइस जैसे ही हम रूम पे आए इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर। बारिश के साथ में हम लोगों ने चेकआउट किया और हम निकल गए रूम से, क्योंकि यार आज कैब भी नहीं मिल रही है। और हमें फाइनली यार बहुत 3 घंटे वेट के बाद हमें गाड़ी मिली। और गाइस यहाँ की खेती देखो, मेरा दिल किया आप सबको यहाँ के खेत दिखाऊँ। और यहाँ का व्यू देखते देखते मैं जा रही हूँ वापस दिल्ली के लिए गाइस। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दिल नहीं था यहाँ से जाने का। सो गाइज हम लोग मंदिर से निकल लिए थे और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा, हमने ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर यार हमने क्रॉस कर दिया। और उसके बाद जब हम अपने होटल पहुँचे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हम चेकआउट भी कैसे करते यार ऐसी बारिश में। और यहाँ से आज तो कैब भी नहीं हमें मिलने वाली थी, तो हमें इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा था कि अब हम करेंगे क्या। समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था क्या करें। सो गाइज एक्चुअली इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़, और हमारा चेकआउट करने का टाइम हो गया था। बट क्या करें, बारिश की वजह से हमें वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तेज। और यहाँ से सुविधा भी नहीं है, मतलब कोई भी व्हीकल भी नहीं चल रहे हैं, गाड़ी बस चलती है रोडवेज शाम को आती है। और हमें या तो शाम तक का वेट करें, अदरवाइज हमें कैब करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कैसे जाएंगे, बहुत मुश्किल है यहाँ से बाहर निकलना। फाइनली बारिश एक्चुअली रुक गई थी, तो हमने सोचा कि चलो निकल लेते हैं। तो मैं और श्वेता दोनों निकल लिए। देखो श्वेता पीछे आ रही है हील पहन के। गाइज यार इसके लिए सच में सल्यूट है यार, पूरा पहाड़ ये लड़की ना हील्स में घूमी है भाई, मैं कभी नहीं कर पाती। और पता है इसके पैर घायल हो रहे थे, इसने इसको ना शूज़ पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसने हमेशा हील्स ही पहना है शायद इसीलिए, पता नहीं। फाइनली यार 3 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें गाड़ी मिल गई और हम लोग बैठ के जा रहे हैं मसूरी। तो इस गाड़ी ने हमें मसूरी छोड़ा था धनौल्टी से, हम मसूरी के लिए भी मिल गई फाइनली। और यहाँ पे हम दोनों अलग अलग बैठे हैं, क्योंकि क्या था ना कि जिस साइड मैं बैठी थी उधर साइड ना एक ही सीट थी, और मैं पूरा व्यू एंजॉय करते हुए जा रही थी, श्वेता सोते सोते शायद जा रही थी, वो पीछे बैठती है। गाइज ये देखो यहाँ की खेती यार, मुझे खेती देख के तो इतना दिल, मेरा पता है मुझे इतना दिल कर रहा है कि मैं वापस पहाड़ों में जाऊँ और खेती के व्लॉग्स बनाऊँ। मेरे को वहाँ रहना है यार, खेती देखनी है, मैं तो चाहती हूँ उनका खेती में हेल्प करूँ यार, पहाड़ पे जाके मेरा बहुत दिल करता है यार मेरे को खेती करने का। मतलब मैं थोड़ी किसान, मतलब क्या बताऊँ, मेरे दादाजी बहुत बड़े वाले किसान थे, मतलब उनको पता है जब वो खेती करते थे ना, पता है वो ट्रैक्टर से खेत नहीं जोतते थे, उनको बैल पसंद थे। घर में ट्रैक्टर होने के बाद ही वो बैल से खेत जोतना पसंद करते थे। तो शायद मेरे दादाजी के गुण मेरे अंदर कुछ आ गए, इसीलिए शायद मैं ऐसी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को दिखावा करना, मैं दिखाऊं कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, ये मेरे को नहीं पसंद है। मैं जैसी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं वही शो करती हूँ, वही दिखाती हूँ। मैं ये दिखावा नहीं करना चाहती कि नहीं जी भाई मैं तो बहुत अमीर हूँ, नहीं, जैसा है मैं ऐसी ही हूँ। और बस मैं अब अपनी ज़िंदगी को ना, बहुत रोया है यार मैंने अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आज तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं। बस मैं कोशिश करती हूँ कि सारी तकलीफ़ें भूल के मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँ, क्योंकि पता नहीं यार ज़िंदगी में एक ही लाइफ मिलती है और आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं है कब मौत आ जाए। इसलिए आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, जितना इंजॉय करना है ज़िंदगी में ज़रूर करना। फाइनली हम लोग मसूरी पहुँच गए, मसूरी से हम दोनों ने की कैब और हम पहुँच गए देहरादून, क्योंकि हमें बस मिलनी है देहरादून से डायरेक्ट, क्योंकि मसूरी से दिल्ली के लिए बस नहीं मिलती है यहाँ से।